एक बार मुकेश सहनी जी का भी बयान हम लोगों ने सुना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत लोग काम करना चाहते हैं, अब मुकेश सहनी जी के बारे में तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जन सुनवाई चल रही थी और जन सुनवाई में अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग ज़िले से यहां फरियादी आए और उस जगह अपनी समस्या को लेकर के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज के पास आए। उसी दरमियान जब भवन राज मंत्री जयंत राज से पत्रकारों ने सवाल किया कि मुकेश सहनी जो बीआईपी के सुप्रीमो हैं, कि क्या मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड के तरफ रुख करेंगे, उसमें शामिल होने की चांसेस है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा कि ये बात की जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश के राज में और नीतीश सरकार एक ऐसे नेता हैं, उनका एक ऐसे कद बढ़ा हुआ है कि हर कोई उनके साथ आके काम करना चाहता है। क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज, आइए सुनते हैं। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुकेश सहनी की एनडीए में बातचीत होगी, उन्होंने अपना डीपी भी चेंज कर लिया है। देखिए, एनडीए में बहुत सारे दल आने वाले समय में और लोग भी आना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत लोग काम करना चाहते हैं। अब मुकेश सहनी जी के बारे में तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, और कई एक बार मुकेश सहनी जी का भी बयान हम लोगों ने सुना है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो कई एक बार काम पहले भी कर चुके हैं, तो हो सकता है इसकी, लेकिन जानकारी कुछ नहीं। दुखद घटना है और जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उसको जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी का राज है, कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं है। अगर कोई अपराधी इस गलतफहमी में है कि वो बच जाएंगे, तो आज तक का रिकॉर्ड देखे होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखे होंगे हम लोगों के राज्य का, कि कोई भी अपराधी अगर घटना करता है तो सौ समय वो ज़रूर पकड़ाता है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, अपराध की घटनाएं, कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे अपराध की घटनाएं नहीं होती। जब आप साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो हर एक साल बिहार में अपराध घट ही रहा। जो बफ की जमीन है उस पर इकाई से मदरसा बनाने का ऐलान किया गया है। देखिए, ऐसे बफ कोर्ट की ज़मीन पे हम लोग विद्यालय बनाने का काम पहले से भी यहाँ पे कर रहे हैं। सरकार की नीति है जिसमें बफ कोर्ट की भी कई एक जगह सहमति हुई है और बड़ा बड़ा विद्यालय हम लोग बना रहे हैं, लेकिन बफ कोर्ट के बारे में जो आप जो जानकारी आप दे रहे हैं इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आज के पेपर में हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी जानकारी आप लोगों को दिया है। तो आपने सुना, जाने अनजाने जयंत राज ने ये ज़रूर बात कह दिया कि अगर कोई आ रहा है तो हम उसे रोकेंगे भी नहीं, और हो सकता है कि मुकेश सहनी की वापसी जनता दल यूनाइटेड में हो क्या। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बन के सामने आता है। वहीं आपराधिक घटना पर बात करते हुए जयंत राज ने कहा कि आपराधिक घटना कहाँ नहीं होता, हर राज्य में होता है, और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि पहले के बनिस्पत अभी नीतीश के राज में आपराधिक घटना बहुत ही कम हुई है। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709।